स्वागत है। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में डिटेल में देखेंगे। विटामिन ई ये जेनरिक नेम है नेचुरली अकरिंग फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए, जिनको टोकोफेरॉल्स कहा जाता है। विटामिन ई के सोर्सेज के बारे में देख लें तो ऐसे फूड्स जो कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, वही विटामिन ई में भी रिच होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट जम ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक और बटर। नॉर्मली प्लाज्मा लेवल विटामिन ई का एडल्ट्स में रेंज करता है 0.8 से 1.4 मिलीग्राम पर 100 ml। कोई भी डाउट नहीं है कि विटामिन ई हमारे डाइट में कितना जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई डाइटरी डेफिशिएंसी का एविडेंस नहीं मिला है। विटामिन ई का रोल जो है ह्यूमन बीइंग्स में, वो अभी तक कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं हो पाया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में ऐसा देखने को मिला है कि जिन लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, उनमें मिसकैरेज और स्टरिलिटी का रेट हाई रहता है। लेकिन विटामिन ई का अगर ह्यूमन मॉलिक्यूलर लेवल्स पर बात करें तो उसका रोल अभी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट को 15 मिलीग्राम पर डे, मतलब 22.4 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंट्स में सिर्फ 3 माइक्रोग्राम मतलब 5 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई जरूरी होता है पर डे। विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में देख लें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को। साथ ही में ये एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह से एक्ट करता है। इसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिला है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस पर, इश्केमिक हार्ट डिजीज और साथ में वाउंड्स हीलिंग में भी। कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशेस, डिप्रेशन, स्वेटिंग, इन सब में भी कमी देखने को मिली है विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन के बाद। लेकिन विटामिन ई का इंटेक अगर काफी हाई अमाउंट में लिया जाए तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो रिसेंटली साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिले हैं ह्यूमन लिम्फोसाइट के ऊपर इन विट्रो मतलब सेल कल्चर्स में, अगर उसको हाई कंसेंट्रेशंस में प्रोवाइड किया जाए तब। तो इसी वजह से ध्यान देना चाहिए कि मेगा डोजिंग ना होने पाए विटामिन ई की क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ताकि किसी भी पर्सन में डेफिशिएंसी डिजीज या फिर टॉक्सिक डिजीजेस ना कॉज होने पाए। इसी वजह से जरूरी है कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना ही प्रोवाइड किया जाए। पिछले वीडियोस में हमने विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में देखा था, आज हमने विटामिन ई का ऑलमोस्ट जितना भी जनरल इन्फॉर्मेशन है सब कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।